फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद कृतिका। और मैं हूं आप सबकी फ्रेंड कृतिका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज एक बार मैं फिर से लेकर आ गई हूं आप सबके लिए रिक्वेस्टेड वीडियो, और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। बहुत सारे लोगों के लिए आज का वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं कि मैम, हम अपने व्हाइट हेड ब्लैक हेड से छुटकारा कैसे पाए, क्या हम अपने ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड से छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए पा सकते हैं, कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि ये हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं। ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स की जो प्रॉब्लम होती है किसी भी एज ग्रुप के साथ हो सकती है, और ये प्रॉब्लम एक बहुत ही नॉर्मल सी कॉमन सी प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्किन केयर अच्छे से करने की जरूरत है। साथ ही साथ ये जो प्रॉब्लम होती है मेल एंड फीमेल दोनों में से किसी के साथ भी हो सकती है। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दो बहुत ही सिंपल मेथड शेयर करने जा रही हूँ। इन दोनों ही मेथड से आप अपने ब्लैक हेड व्हाइट हेड से छुटकारा इजीली पा सकते हैं। अगर वो हो गए हैं तो आप उन्हें कैसे रिमूव करें। सेकंड जो रेमेडी है वो आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को परमानेंटली रिमूव कर देगी। बिलीव मी गाइस, इस रेमेडी को आप जरूर देखिएगा और ट्राई भी कीजिएगा, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोस को लाइक करना मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कैसे आप अपने व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड से छुटकारा इजीली पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर रिमूव करने वाले हैं ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड्स। तो मुझे व्हाइट हेड की थोड़ी सी प्रॉब्लम नोज पर हो जाती है, बट कुछ लोगों को चीक्स पर भी होती है, और कुछ लोगों के नोज पर डॉट डॉट टाइप के दिखने लगते हैं। काफी लोग अपनी नोज को इस तरीके से फिंगर की हेल्प से प्रेस करके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को निकालते हैं, तो इस तरीके से नहीं निकालना चाहिए। कभी कभी हमारे ही जो स्किन होती है बहुत ज्यादा हर्श हो जाती है और डैमेज हो जाती है और हमारे नेल्स लग जाते हैं। तो आज जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ इस तरीके से ही आपको यूज करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिया है ये स्टीमर, तो स्टीमर की हेल्प से मैं स्टीम लेने वाली हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का स्टीमर नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में पानी बॉईल करके भी स्टीम ले सकते हैं, या फिर आप किसी कॉटन की हेल्प से गर्म पानी में एक आप हैंकी डिप कर लीजिए और उसे अपनी नोज एरिया पर रख लीजिए, जिससे कि जो आपके पोर्स हैं वो ओपन हो जाएं और आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड इजीली रिमूव हो जाएं। तो चीक्स पर जिन लोगों के हों तो आपको कंप्लीट प्रोसेस करना है, तो आप पूरे फेस पर भी टॉवल रख सकते हैं। तो अभी मैंने जो स्टीम ली है इसकी वजह से मेरे पोर्स ओपन हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है इस तरीके से एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन की बैक साइड में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक सर्कल जैसा होता है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर आज व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स रिमूव करने वाले हैं। वैसे तो जो फेशियल किट आती है उसमें व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स रिमूवल एक टूल होता है, बट हर किसी के पास वो नहीं होता है। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बता रही हूँ कि आप इस तरीके से सेफ्टी पिन लेकर अपने जब पोर्स को ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा गर्म पानी के साथ, और या फिर स्टीम जो भी आप लेना पसंद करें, इसके बाद आपको इस पिन को लेकर अपनी नोज पर हल्का हल्का प्रेस करते जाना है। नोज के साइड में जरूर कीजिए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और स्लोली स्लोली जितना कि आपकी स्किन बिल्कुल भी ख़राब ना हो और आपको स्किन को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, तो जितना आपकी स्किन सहन कर सकती है वो जब आप अपने हाथ से करेंगे तब आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और स्लोली स्लोली आपको जहाँ जहाँ लगता हो कि आपके यहाँ पर ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स है वहाँ पर इसको इस तरीके से प्रेस करते जाइए। और जो भी मेरे व्हाइट हेड्स हैं वो यहाँ पर निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो एक मेरी नोज़ पर ये ब्लैक हेड है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और एक ब्लैक डॉट जैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ। तो आपको सेम इसी तरीके से बहुत ही स्लो बिल्कुल आपको लाइटली प्रेस करना है। तो आप अपनी स्किन को थोड़ा सा इस तरीके से करते हुए जब आप इसके चारों तरफ इस तरीके से पिन का जो गोल वाला हिस्सा होता है उसको प्रेस करेंगे तो आपके पोर्स से ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स इजीली निकलकर बाहर आ जाएंगे, और आपको अपोजिट डायरेक्शन में भी इस सेफ्टी पिन की बैक साइड को इस तरीके से रब करना है, जिससे कि आप देखोगे कि आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स इजीली रिमूव हो गए हैं। और इस ट्रिक को जरूर यूज़ करना और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो ये तो थी फर्स्ट ट्रिक, और अब हम देखने वाले हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम यहाँ पर एक रेमेडी यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें लेना है एक छोटा चम्मच बेसन। बेसन ना हो तो आप घर का जो
आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं वो ले लीजिए, बिना छना हुआ आटा लेना है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच कच्चा दूध मिक्स करेंगे और एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है और अभी हमने स्टीम वाला प्रोसेस पहले कर लिया है। तो आपको पहले या तो गर्म टॉवल अपने फेस पर रखनी है या फिर आप स्टीम लेकर इसके बाद जो हमने ये पेस्ट बनाया है इसे हम अपनी नोज एरिया में और चीक्स एरिया में अप्लाई कर लेंगे। इस पेस्ट को आप पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बाद में बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछेंगे तो आप इस तरीके से पूरे नोज पर और जहां पर आपको व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स होते हैं वहां पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आफ्टर 10 मिनट आप देखोगे कि ये पेस्ट जो है पूरी तरीके से सूख चुका है और इसकी एक लेयर जैसी आपके फेस पर आ चुकी है। तो फर्स्ट तरीका ये है कि आप इसे फिंगर की हेल्प से अपोजिट डायरेक्शन में रब कीजिए, ये इजीली निकल जाएगा, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकेंड तरीका ये है कि आप एक टॉवल ले लीजिए या फिर कॉटन का हैंकी ले लीजिए, इसकी हेल्प से आप पहले पानी में इसको डिप करिए गर्म पानी में और टॉवल को निचोड़ कर फिर आप इससे इस तरीके से पोंछ कर निकाल दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है और इस तरीके से अगर आप अपने फेस पर टॉवल को रगड़ेंगे तो आप देखोगे कि जो आपके व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं कम्प्लीटली 100% रिमूव हो गए हैं और आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं रहेगी। तो आप मेल है या फीमेल है दोनों ही लोग इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हो कोई फर्क नहीं पड़ता है और जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद अभी आप देखोगे मेरी स्किन कितने अच्छे से क्लीन हो चुकी है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है ये एलोवेरा जेल, तो ये मेरे पास टर्मेरिक का है, आप एलोवेरा की फ्रेश लीफ ले सकते हैं, जो भी आपके पास एलोवेरा जेल हो उसे लेकर थोड़ा सा अपने नोज एरिया में, चेक्स एरिया में या फिर इसे आप पूरे फुल फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था आज का हमारा मेथड। देखा आपने कितने सिंपल मेथड थे यहाँ पर दो, और दोनों ही जो मेथड है उन्हें कोई भी यूज कर सकता है, चाहे आप टीनेज हैं, आप गर्ल हैं, बॉय हैं, किसी भी एक ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं। और जो मैंने रेमडी बताई है, इस रेमडी में जो इंग्रेडिएंट है इजीली सबके घरों में अवेलेबल होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप दो इंग्रेडिएंट के साथ अपने ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड से छुटकारा परमानेंटली पा सकते हैं। अगर आपकी जैसे ओपन बोर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसके लिए मैंने आपको बता दिया, आप चाहते है कि आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स परमानेंटली रिमूव हो जाए, तो आप एक आइस क्यूब लेकर डेली अपने फेस पर जरूर रब कीजिएगा, जिससे कि आपके ओपन पोर्स बहुत कम हो और जो ऑयल निकलता है वही हमारे जो रोम छिद्र होते हैं उनमें जमा हो जाता है और वही व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स का रूप ले लेता है। तो आप एक आइस क्यूब जरूर लगाइए जिन लोगों के ओपन पोर्स बहुत ज्यादा है और जिनके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स की जो बहुत ऐसा ना डॉट 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 टाइप का हो जाता है, बहुत गंदा लगता है, तो आप इस रेमेडी को डेली यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ 1 वीक यूज कर लीजिए और आप हफ्ते में 2 बार भी यूज कर सकते हैं, वीक में 1 बार भी यूज कर सकते हैं, जब आपको याद आए आप इसे तब यूज कर लीजिए। इसका कोई टाइमिंग नहीं है और बहुत ही सेफ है और 100% नेचुरल है और 100% इफेक्टिव है, बिलीव मी। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।